मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा थानेसर से शुरू होकर करनाल पहुंची। लोगों ने मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया, तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी करनाल वासियों को करोड़ों रुपयों की सौगात दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अग्रसेन चौक से 109 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, साथ लोगों को संबोधित भी किया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री वेदपाल की अध्यक्षता में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। कोर ग्रुप की इस बैठक में कुरुक्षेत्र से सांसद नायाब सैनी, मुलाना विधायक संतोष सारवान, सिटी विधायक असीम गोयल समेत जिला अध्यक्ष जगमोहन लाल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद वेदपाल ने बताया कि बीजेपी के राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष 27 अगस्त को अम्बाला आएंगे। फतेहाबाद में सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल गुरुवार को फतेहाबाद पहुंची। सुनीता ने शहर के अलग अलग इलाकों में हुए कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उसके बाद सुनीता दुग्गल ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और जल्द समस्या के समाधान की भी बात कही। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने गुरुवार को अनाज मंडी में दिव्यांगजनों और बीपीएल परिवारों के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने 83 दिव्यांगजनों को बैटरी संचालित मोटरलाइज्ड ट्राई साइकिलें और 700 परिवारों को नए बीपीएल स्मार्ट राशन कार्ड वितरित किए। गोहाना में गुरुवार को लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के 2 पदाधिकारी अपने पदों से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए परमवीर सैनी ने बताया है कि दोनों पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ने का फैसला सीएम मनोहर लाल की कार्यशैली को देखते हुए लिया है। बीजेपी के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन के नेतृत्व में गुरुवार को विधानसभा बार कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, संगठन मंत्री सुरेश भट्ट, राज्यसभा सांसद जनरल टीपी वत्स के अलावा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुनिया समेत स्थानीय नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल जन आशीर्वाद यात्रा पर हैं और ये यात्रा 23 अगस्त को सोनीपत पहुंचेगी। इसी के चलते सोनीपत में सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जैन लगातार जनसंपर्क अभियान तेज किए हुए हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान राजीव जैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब 5 एकड़ से ज्यादा फसल के किसान भी आवेदन कर सकते हैं। इन किसानों को सरकार की ओर से हर साल 6,000 रुपए दिए जाएंगे। टोहाना कृषि विभाग के एसडीओ सुरेश महला ने इस बात की जानकारी दी है। पानीपत के गांव कुकुराना में ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए शिफ्टिंग करने की मांग को सरकार ने स्वीकार किया था। और अब सूबे के परिवहन मंत्री और जेल मंत्री कृष्णलाल पवार ने स्थानीय प्रशासन के साथ गांव में हवन किया और आधारशिला रखी। फतेहाबाद में नगरपालिका कर्मचारी संघ ने हड़ताल की। संविदा पर चल रहे सफाई कर्मियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन समेत कई मांगों को लेकर कर्मचारियों की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते कर्मचारी शहर में सफाई करने नहीं गए।